नमस्कार और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, वही इस दौरान तीनों वोटों की गफलत का मामला सामने आया। दरअसल धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने गलती से अपना वोट बीजेपी के घनश्याम तिवारी की जगह कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को दे दिया। जी हाँ, ऐसे में बीजेपी का ये वोट खारिज हो सकता है। वही बीजेपी की भी यही कहती नजर आ रही कि शोभा रानी के वोट में गड़बड़ी हो गई है। बता दें कि शोभा रानी के पति बीएल कुशवाहा इस वक्त जेल में बंद है। इधर बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी के वोट में भी गड़बड़ बताई जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी लगातार मिल रही है उसके हिसाब से निर्दलीय सुभाष चंद्रा को वोट डालना था, लेकिन उन्होंने घनश्याम तिवारी को ही वोट डाल दिया। बांसवाड़ा के गड्डी से बीजेपी विधायक कैलाश चंद मीणा से भी वोट डालने में गलती हुई है, उनका वोट भी खारिज हो सकता है। वही कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि कैलाश चंद मीणा ने पोलिंग एजेंट को दिखाकर अपना वोट डाला है। इस मामले में अब सीसीटीवी और निर्वाचन आयोग की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर ही फैसला किया जा सकता है। बता दें कि राजस्थान की 4 राज्यसभा की सीटों के उम्मीदवारों के लिए आज विधानसभा में वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी थी और भाई अब 4 बजे यानी कि अब खत्म हो गई है। मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही पहला वोट सीएम अशोक गहलोत ने डाला था। सीएम के बाद बसपा से कांग्रेस में आए विधायक व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने मतदान किया। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों को ARR फ्री वोटिंग के लिए हिदायत दी थी। उधर बगावत और हॉर्स ट्रेडिंग के डर से पहली बार राज्यसभा चुनाव में नेट बंद भी कर दिया गया था। गौरतलब है कि इस बार सीएम अशोक गहलोत खुद पोलिंग एजेंट बने, इसलिए हर कांग्रेस विधायक वोट के बाद सीएम को बैलेट दिखाएंगे और कांग्रेस के 108 विधायक सीएम गहलोत को वोट दिखाएंगे और दिखाया भी होगा। लेकिन भाई पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीएम गहलोत के रिवीलिंग पोलिंग एजेंट बने थे। ऐसे में ये दोनों नेता ही वोट देखेंगे और विधानसभा में वोटिंग सुबह 4 बजे से शुरू हुई जो सुबह 9 बजे से शुरू हुई और जो खत्म हो चुकी है। तो वहीं पर राज्यसभा की पूरी वोटिंग और काउंटिंग के दौरान सीएम अशोक गहलोत वहां पर खुद मौजूद रहेंगे, जहां पर एक तरफ यहां बीजेपी की 3 वोटों में गड़बड़ी बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट भी लगातार यही नारे लगाते नजर आ रहे हैं कि जीत तो सिर्फ कांग्रेस की होगी। तो देखना लाजमी होगा कि क्या सच में अब की बार यहाँ पर कांग्रेस जीत पाती है या फिर भाजपा यहाँ पर कुछ कमाल करके दिखाती है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही थी, जेपी नड्डा लगातार यहाँ पर बयानबाजी करते नजर आ रहे थे, लेकिन इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस बार सचिन पायलट की बात यहाँ पर सच साबित होगी। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।